साथियों नमस्कार। साथियों आज एक सिविल मुकदमे की चर्चा करेंगे जिसमें दोनों पक्षकार वादी और प्रतिवादी, जहां एक से अधिक वादी हों या एक से अधिक प्रतिवादी हों या एक ही वादी हो एक ही प्रतिवादी हो, आपस में कोई सुलह समझौता कर लेते हैं तो हम ऐसे वादों को वापस कैसे लें, वाद को वापस लेना। हम नहीं चाहते हैं कि समझौता उस मामले में डिक्री या जो निर्णय है उसका पार्ट बने, उस मुकदमे को वापस लेना है। तो इस पे दोस्तों रूलिंग ये है, सीपीसी की आदेश 23 नियम 1 ये कहता है कि पूरे सिविल मुकदमे के किसी भी प्रक्रम पर वादी मुकदमा, जो वादी है जिसने ये वाद दाखिल किया है, सिविल वाद दाखिल किया है, उसको ये अधिकार होता है कि वो पुनः दाखिल करने की अनुमति के साथ, पुनः दाखिल करने का मतलब है कि उस मुकदमे को वापस लेने के बाद भी उन्हीं फैक्ट्स पर पुनः वो वाद ला सकता है, इसकी अनुमति के साथ, या पुनः वापस ना दाखिल करने की अनुमति के साथ वो उस वाद को या उसके किसी पार्ट को वापस ले सकता है। ऐसी स्थिति आने पर जब दोनों पक्षकार राजी हैं, या मान लेते हैं कि एक पक्षकार को जो प्रतिवादी है उसको कोई मतलब नहीं है या वो नहीं चाहता है कि मुकदमा वापस हो, और केवल वादी ही चाहता है कि मैं मुकदमेबाजी की तनाव से बचना चाहता हूँ और इस मुकदमे को वापस ले रहा हूँ, तो वादी को ये कंटिन्यू अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी प्रक्रम पर जब चाहे एक प्रार्थना पत्र जो शपथ पत्र से समर्थित हो आदेश 23 नियम 1 के अंतर्गत दाखिल करे और उसमें अपना कथन करे कि मैं दावे के किस भाग का या संपूर्ण दावे का इसका प्रत्याहरण कर रहा हूँ या इसको वापस ले रहा हूँ। माननीय न्यायालय हो सकता है कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई दुरपसंधि हो, कोई असम्यक असर डाल करके या गलत तरीके से बात वापस कराया जा रहा हो, तो वो वादी की कभी कभी परीक्षा भी करते हैं, उससे पूछते हैं और ऐसी परीक्षा के बाद उस वाद को वापस दिया जा सकता है। और वाद वापस हो जाने पर जो वाद वापस ले लिया जाता है तो वादी की स्थिति वही हो जाती है जो वाद दाखिल किए जाने के पूर्व में थी। ऐसा नहीं है कि ये आ जाए कि इन्होंने वाद वापस ले लिया है तो कुछ इनमें कमी हो गई है, उक्त वाद वापस लेकर के नया वाद दाखिल भी किया जा सकता है, नया वाद दाखिल करते हैं और अगर मामला सेट हो रहा है, वादी प्रतिवादी नहीं झगड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इसमें कंप्रोमाइज करेंगे, तो जो कंप्रोमाइज हो रहा है उसको उस निर्णय का पार्ट भी बनाया जा सकता है। वो सेटलमेंट की विधि दूसरी है लेकिन ये दावा वापस लेने की विधि दूसरी है। दोस्तों मैं आपको जो भी जानकारियाँ होती हैं आप लोगों तक उपलब्ध कराता हूँ। अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं, हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमें स्नेह प्रदान करें और हमारे उक्त वीडियोज़ को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।